नमस्कार दोस्तों, खोदो। ये हमारा खेत है, इसमें 302 आलू लगा हुआ है। आज हम लोग खोद के देखते हैं इसमें माल कैसा निकल रहा है। नमी आ रखो बे। दोस्तों, इसकी बुआई थोड़ी सी अलग तरीके से करी गई थी। इसकी बुआई में एक तो आलू काट के लगाया गया था बीज में, दूसरी बात इसमें बीज से बीज पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी सी अधिक कर दी गई थी। ये एक नंबर पर रखा गया था, बाकी हमारे सभी खेत जीरो पर रखे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये 302 है, जैसा साइज है। अभी खेत में थोड़ी सी नमी है, इसलिए बीज में थोड़ी सी, आलू में थोड़ी मिट्टी लग रही है। खोदो। बीज है ना, एक तो कम है, फूल गया ना, जीरो एक पे रखोगे, जीरो पे होता तो ना वो तो एक तो हम नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं होता, मैं जानते बस ज़्यादा नहीं कूदो। निकालो जी, निकालो, ले जाओ कर ये चांद के बाद जा चिल्ला लो रो। अरे सब घर बिक जाए, सब दोस्तों देखिए, देख के फिर कमेंट्स में बताइए माल कैसा निकल रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए, फिर वीडियो के लास्ट में एक खास बात बताएंगे, जो कि दोस्तों तुम्हें अभी तक किसी, आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी। एक खास बात बताएंगे, बहुत ही देखिए दोस्तों, ये 302 है, 302 आलू, इसको सुपर सिक्स और बोलते हैं। दोस्तों देखते रहिए, अभी खुदाई चालू है। वीडियो चल रहा है, तब तक आपको एक खास बात बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, आलू में ये जो हरा रंग है, इसका क्या कारण है ये बताएंगे अभी। दोस्तों आलू जो होता है, ये खाने वाला पार्ट, एडिबल पोर्शन जिसको हम लोग खाते हैं, ये साइंस की भाषा में एक रूपांतरित तना होता है, मॉडिफाइड स्टेम। हम दोस्तों, हमको लगता है कि आलू के पौधे की जड़ में इसका उत्पादन होता है, तो हम लोगों को लगता है कि ये जड़ का भाग हुआ है, लेकिन ये जड़ का भाग नहीं होता है, ये तने का भाग होता है। दोस्तों पौधे के तने में एवं पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। दोस्तों ये हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, क्योंकि ये जब खुल जाता है, ज़मीन के बाहर आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी और हवा, वायु, ऑक्सीजन के संपर्क से इसमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए ये हरा हो जाता है। तो दोस्तों हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए अंत तक, पूरे वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। दरवाती दें, खोद लो। दोस्तों ऐसे ही आए थे खेत पे घूमने, इसलिए खोद लिया, कोई सामान नहीं हम लोगों के पास खुदाई करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इसमें बरसीम, हरा चारा जानवरों के लिए।